और बड़ी खबर है इस वक्त की, हम आपको बता दें कि पटना में विपक्षी दलों के महाबैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक में शामिल हुए सभी दल जुलाई में शिमला में फिर से मिलने वाले हैं, जिसमें 2024 चुनाव के मद्देनजर एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने का रेड रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा बयान अब सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों के 30 नेता जुटे थे और करीब 4 घंटे मैराथन बैठक हुई थी, और इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि हम सभी एक साथ लड़ने के लिए एक आम एजेंडे पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगली बार 10 या 12 जुलाई को शिमला में एक बार वापस से फिर से एकजुट होने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनावों को एक साथ लड़ने के लिए। साझा एजेंडों की अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारे साथ इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अंकित बने हुए हैं। अंकित, हमने देखा कल किस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में महाबैठक हुई, और अब इस महाबैठक के बाद जिस तरीके से एक और इशारा किया गया कि आगामी जुलाई के महीने में वापस से सभी विपक्षी दल एकजुट होने वाले हैं। जी अभिषेक, किसी कारणवश हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने देखा था कल किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया था कि बहुत जल्द वापस से सभी विपक्षी दल के नेता एक मंच पर होंगे। हमारे साथ और भी अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अभिषेक बनेंगे। अभिषेक, हमने देखा किस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, 10 या 12 जुलाई को वापस से शिमला में सभी विपक्षी एक साथ होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तैयारियां विपक्षी दलों ने खासतौर से बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की, और जो बैठक जिसको एक चेंजिंग पॉइंट माना जा रहा था विपक्ष की एकता को एकजुट करने में, हालांकि नीतीश कुमार ने ये जरूर मीडिया के साथ साझा किया ये बात की कि एक सहमति बन गई है साथ चुनाव लड़ने में। अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, लेकिन जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला तय हुआ, किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो जमीन है जिस पर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव बहुत मजबूत है, उसमें शून्य पर जा चुकी कांग्रेस को कितना वो कितनी जगह उस जमीन में देंगे, तो फॉर्मूले का जिक्र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार करते हुए नजर नहीं आए। ये जरूर कहा कि सहमति बनी आपस में, चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने भी ये कहा कि समय जो है मोदी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का है। अब चूंकि एक समय हमने वो भी देखा कि जब जेपी ने आंदोलन किया, और उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ तमाम विपक्षी दल मौजूद थे, कांग्रेस की सत्ता को हटाने के तमाम लोग एकजुट थे, और आज पूर्ण विपक्ष जो है अब भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लगा है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया। इस पूरी बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नाराज नजर आए, क्योंकि उनका जो एजेंडा था सिंगल पॉइंटेड एजेंडा के दिल्ली की सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उस पर चर्चा हो, उस पर विपक्षी दलों ने उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन फार्मूले का जिक्र करना वो चूक गए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सिमर सिरानी की माने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये सिर्फ बेमेल गठजोड़ है, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, फोटो खिंचवाने की अपॉर्चुनिटी है, विपक्ष की माने तो और भी इसमें बैठ के आगे होंगे जिसमें हो सकता है वो फार्मूला तय किया जाए, लेकिन पहली बैठक में सीधे तौर पर ये चीज सामने निकल के आ रही है कि आपस में चुनाव लड़ने का मौखिक करार हो गया। लेकिन इस मौखिक करार की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीट कौन सा दल किस दल को देगा, बहुत कठिन डगर है। अगर मैं आपको बात करूं, क्योंकि एकजुटता जो विपक्ष में तमाम मुद्दों पर अलग अलग है, देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कांग्रेस ममता बनर्जी का विरोध पश्चिम बंगाल में कर रही है, दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहती उत्तर प्रदेश में, मायावती इससे बहुत दूर है, तो एक बहुत दूर की कौड़ी लगती है सुष्मिता के कोई ऐसा फार्मूला तय हो जाए जिस फार्मूले पर चलकर आगे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी का खास स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि गठबंधन सिर्फ उन भ्रष्टाचारी को बचाने की कवायद है जो जिनके ऊपर ईडी सीधे और तमाम तरह की जांच चल रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव है, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, जिसमें झारखंड की भी सरकार है, दिल्ली के दो मंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व मंत्री वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का एक गुट मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहता है, ये बीजेपी का कहना है। तो
आने वाले दिनों में आप स्पष्ट मान के चलिएगा सुष्मिता कि राजनीतिक लिहाज से लड़ाई और कठिन होने वाली है, क्योंकि लालू परिवार पूरा घिरा हुआ है। बार बार ईडी उनको तलब करती है, सीबीआई जांच कर रही है, नौकरी के बदले जमीन को लेकर भी पूरा लालू परिवार फंसा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता तक एक मैसेज पहुंचाना विपक्ष के लिए बहुत कठिन होगा कि ये जो गठबंधन हो रहा है वो गठबंधन देश के स्वच्छ भविष्य के लिए है। वो बिल्कुल महागठबंधन की जिस तरीके से हमने रूपरेखा देखी है, आने वाले चुनाव में इसका साफ तौर पर हमें असर देखने को मिलेगा। कुमार अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद अब शिमला में 10 या 12 जुलाई को वापस से सभी जो विपक्षी नेता हैं वो एक मंच पर एकजुट होने वाले हैं।